जैसा कि आप सबको मालूम है कि राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बज चुका है और 25 तारीख को मतदान होना है और 3 तारीख को जो है यहाँ के जो प्रत्याशियों का रिजल्ट जारी होना है। उसी के बीच आज हम लोग पहुंचे हैं भीलवाड़ा जिले के मानवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर, जहां पर कांग्रेस के पहले कैंडिडेट ने जो है विवेक जी धाकड़, उन्होंने आज नॉमिनेशन दाखिल किया है। आपको बता दें कि पुनः जो है कांग्रेस ने इन पर जो एक भरोसा जताया है और इसी के बीच के अंदर सर स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस के अंदर। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस ने आप पर जो पुनः भरोसा जताया है, इस भरोसे पर आप जनता के विश्वास पर कितना खरा उतर पाएंगे सर? ये मैं पार्टी को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। एक बहुत बड़ा सम्मान है, न केवल मेरा बल्कि मांडलगढ़ के सम्मानित मतदाताओं का। प्रथम सूची में कांग्रेस ने पुनः विश्वास जताया। सभी हमारे वरिष्ठ नेता, जिला के मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, पर्यवेक्षक जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। यह विश्वास पार्टी का जो मतदाताओं के यहाँ के सर्वे और आगे की जो विकास की योजना है उसको लेकर जताया गया, उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। सर आप पिछली बार उपचुनाव हुआ था जिसके अंदर मोदी लहर थी, उसके अंदर भी बहुत अच्छे वोटों से आप लोगों ने जीत की थी और जनता ने भरोसा आप लोगों को, जनता का भरोसा आपने जीता था उन कार्यकाल के अंदर। अब जो आप कार्य करना चाहते हैं जनता के लिए, ऐसे क्या कार्य हैं जो आप जनता के बीच में परोसेंगे? उपचुनाव में सभी वरिष्ठ नेताओं और सभी का यहाँ पर आगमन हुआ, वो भी मेरे लिए एक सौभाग्य का विषय था। पार्टी ने विश्वास जताया, सरकार बीजेपी की थी, एक साल का कार्यकाल था। हालांकि दुखद घटना थी, जो मेरे सामने प्रत्याशी जीती थी उनके आकस्मिक निधन से वो उपचुनाव हुआ था, परंतु जो प्रक्रिया है लोकतंत्र की प्रक्रिया, उसके तहत उस घड़ी में वापस चुनाव में एक साल के लिए मुझे कार्य करने का मौका मिला था। मैंने पूरा प्रयास करा कि उस कार्यकाल में जो उस टाइम पे एक ही, क्योंकि सरकार नहीं थी, एक ही चीज़ थी, विधायक मद जो एक साल का मिला था उसको पूरे विधानसभा क्षेत्र में हर पंचायत में, कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि किसी पंचायत में कोई रह गया हो, कोई काम नहीं हो, विधायक मद का पैसा वहाँ पर देने का प्रयास करा। साथ ही जो कंटेंजेंसी प्लान का फंड्स आया था उसके लिए वहाँ पर पूरी एफर्ट करे। अभी जो आगे के लिए रणनीति है वो ये है कि राजस्थान में पाँच साल अभी जो कांग्रेस शासन रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत और मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, सम्मानित सदस्य, हमारे यहाँ के दोनों मंत्री जी और हमारे यहाँ के संगठन ने बहुत सारी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं क्षेत्र में लोगों के लिए दी। उन योजनाओं का कैंप्स लगाकर यहाँ पर निस्तारण किया गया, कैंप्स लगाकर उन तक जनता तक पहुँचाने का प्रयास किया, उसमें कहीं ना कहीं सहयोगी रहे। आज भीलवाड़ा मॉडल कोरोना की उस आपदा के लिए जाना जाता है कि भीलवाड़ा मॉडल एक वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ, तो कहीं ना कहीं जनता और मतदाता ये जान रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की ही वापस रिपीट हो और उसमें मांडलगढ़ की भागीदारी हो। वर्तमान में यदि आपको जनता भरोसा जताती है तो आप जनता के भरोसे पर कितना खरा उतरेंगे, क्या करेंगे आप ऐसा कि जनता फिर से आपको विधायक का जो उम्मीदवार चुनने के लिए मजबूर हो जाए? ये तो मैं यही कह सकता हूँ कि अपने पूरे विवेक से और धाकड़ तरीके से जनता के बीच में जो भी समस्याएं हैं उसके लिए निरंतर कार्य करता रहा हूँ, आगे भी कार्य करता रहूँगा। जहाँ पर भी शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण, जो भी मूलभूत चीज़ें हैं उनके रेक्टिफिकेशन के लिए, उनको सही दिशा देने के लिए, आम जन तक लाभ पहुँचाने के लिए, सरकार की योजनाओं के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करूँगा। पिछली बार भाजपा का कार्यकाल था, यहाँ पर भाजपा के विधायक है, उनके जो कार्य के अंदर जो कमियाँ रह चुकी हैं वो क्या क्या कमियाँ रह चुकी थी सर, आपने देखा होगा एक विपक्षी के तौर पर? कमियाँ तो शायद कल उनका, जहाँ तक मेरी जानकारी है कल उनका नामांकन है, तो मैं चाहूँगा कि उनको, कमियों को मैं नहीं उजागर करूँ, आप उनको उपलब्धि के रूप में उनसे पूछिए और उस उपलब्धि का क्रॉस चेक जनता से कीजिए कि वो जो कह रहे हैं वो यहाँ कितना इम्प्लीमेंट हुआ, उन्होंने जो वादे करे, जो विधायक मद की बात कही वो कहाँ तक धरातल पे उतरी, कितना उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ,
मेरा तो निवेदन यही कि आप कल उन्हीं से पूछें तो सारी चीज क्लियर हो। तो ये थे हमारे बीच यहाँ मांडलगढ़ विधानसभा के जो नॉमिनेशन भरा है कांग्रेस की तरफ से, और जिनका नाम विवेक धाकड़ है, और उन्होंने बताया था, आपने पूरे इंटरव्यू में सुना था कि मैं अपने स्वविवेक से और धाकड़ तरीके से एक जनता के सामने अपना लक्ष्य को पूरा करूंगा और जनता के बीच के अंदर अपने कार्यों को परोसूंगा। भीलवाड़ा से धीरज कुमार शर्मा, भारत एक्सप्रेस के लिए।